हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक बोयो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी यूआई में अपडेट के बाद जो बग्स आए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, और उनमें से कौन से बग्स खास तौर पर जो ज़्यादा लोगों को आए हुए हैं, ज़्यादा लोगों को उनमें प्रॉब्लम आ रही है, उनके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने सेलेक्ट किए हैं 7 टॉप 7 बग्स, टॉप 7 प्रॉब्लम्स जो कि रियलमी यूआई में आपको देखने को मिलेगी। और मेरा ये फ़ोन है रियलमी X2, तो अगर आपके पास भी रियलमी X2 है तो आप बिल्कुल ये वीडियो देखते रहिए ताकि आपको सारे प्रॉब्लम्स जो अपडेट के बाद आने वाली हैं, अगर आपने अपडेट नहीं किया है या कर लिया है, तो उनके बारे में आपको जानकारी मिल सके। ठीक है, तो इसके पहले मैं शुरू करूँ बग्स के बारे में बात करना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये जो 7 बग्स के बारे में बात करूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मिले हों। इनमें से कुछ बग्स ऐसे हैं जो किसी किसी को आए हैं, किसी को नहीं आए हैं उसके अपडेट में। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। जैसे मैं खुद अपनी बात करूँ तो मुझे इन 7 में से कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, पर कई लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताया, कईयों लोगों ने, कि उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको कवर किया हुआ है। ठीक है, तो भाई सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, और ये 7ों के 7ों बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किए हैं इसलिए मैंने इन 7ों को लिया है, तो पहली जो इसमें प्रॉब्लम अपनी है वो प्रॉब्लम ये है कि स्लो चार्जिंग और ओवरहीटिंग। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पहले ये बहुत ही फास्ट चार्ज होता था फ़ोन, पता, पहले ये 15 मिनट में, मेरी जो रीडिंग थी 15 मिनट में 38% चार्ज हो गया था। वो आप चाहें तो मैं लिंक या कार्ड में दे दूंगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं, चार्जिंग टेस्ट पुराना अपडेट के पहले वाला, उसमें 15 मिनट में ये 38% चार्ज हो गया था। पर अभी मैंने जब इसको टेस्ट किया तो ये 15 मिनट में केवल 25% चार्ज हुआ। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आपके फ़ोन में हो सकता है, पर मैं एक रफ़ आइडिया बता रहा हूँ कि मेरे फ़ोन में 15 मिनट में 25% चार्ज हुआ, तो पहले से तो बहुत ही कम है ये रेट, पहले बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो एक तो ये चीज़, इसके साथ ही साथ इसमें क्या है, चार्जिंग करते समय ओवर हीटिंग हो रही है, चार्ज करते समय बहुत हीट हो रहा है। और जब मैं पबजी खेलता हूँ तो पबजी में भी पहले के कंपैरिजन में जल्दी हीट होने लगा है, पहले उतना जल्दी हीट नहीं होता था। ठीक है, तो थोड़ा सा हीटिंग इशू भी मेरे को इसमें देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं। दूसरी प्रॉब्लम रिलेटेड है माइक को लेके, और ये ख़ास तौर पे उन लोगों को फेस करनी पड़ रही है जो कि पबजी खेल रहे हैं या फ्री फायर या कोई भी गेम खेल रहे हैं, उसमें लोगों के साथ आपको चैट करना पड़ती है, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम है एक्सटर्नल माइक की। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम है एक्सटर्नल माइक की, कोई भी एक्सटर्नल माइक इसमें काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको फ़ोन के डिफ़ॉल्ट माइक से ही आपको काम लेना पड़ेगा। अगर आपके ईयरफोन में कोई माइक है तो वो माइक काम नहीं करेंगे इसमें, और आपकी बात नहीं हो पाएगी आपके टीममेट से, तो दूसरी ये प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद तीसरी प्रॉब्लम आती है जो कि सबसे ज़्यादा मेरे को कमेंट्स इसके आए हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा लोगों ने मेरे को रिपोर्ट किया हुआ है कि लो साउंड इन पबजी, फुट स्टेप का साउंड नहीं आ रहा है, बहुत धीमा हो गया है साउंड, ये सबसे ज़्यादा लोगों ने रिपोर्ट किया है। और मज़े की बात यह है कि ये प्रॉब्लम मेरे फ़ोन में नहीं है, मुझे ये इशू नहीं आ रहा है, फुट स्टेप वगैरह सारा साउंड मेरे फ़ोन में बढ़िया आ रहा है, पहले जैसा ही, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पर बहुत सारे लोगों ने बोला है तो मतलब प्रॉब्लम तो आ रही होगी किसी लोगों को। ठीक है, तो ये तीसरा इशू है लो साउंड का। ठीक है, लो साउंड मतलब क्या हुआ कि जब हेडफोन में हम पबजी खेलेंगे तो फुट स्टेप का साउंड स्लो आ रहा है, और भी जो साउंड है वो स्लो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा इशू है। इसके बाद चौथी प्रॉब्लम की बात अगर हम करें तो चौथा प्रॉब्लम ये है कि कैमरे में जो फ्रंट कैमरा खास तौर से है, क्वालिटी थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, इमेज क्वालिटी, और फोकस इशू भी है। जब आप वीडियो कैप्चर करेंगे तो फोकस इशू भी आ रहा है, फोकस कॉन्स्टेंटली सही नहीं बैठ पा रहा है, फोकस हंट करता है, मतलब फोकस ढूंढने में इसको इशू हो जाता है ना, तो कोई भी चीज़ होगी तो फोकस हंटिंग ज़्यादा हो रही है थोड़ी। ठीक है, तो वो इशू है। इसके बाद पांचवा इशू इसमें अगर बात करें तो ठीक है, तो उससे पहले यार अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये मेरा चैनल है टैग बॉय हो। ठीक है, इस पे जाके और बिल्कुल यार सब्सक्राइब करो।
ठीक है। और ये वीडियो भी अगर आप अभी तक देख रहे हो तो इसको थोड़ा लाइक भी कर देना जी यार, है यार, यार कि कई लोग कह रहे हैं कि बैटरी ड्रेन बहुत बढ़ गया है पहले से, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों ने मुझे रिपोर्ट किया है कमेंट्स में, मैंने और भी वीडियोस देखे हैं, कमेंट्स पढ़े हैं, तो उनमें बताया है कि बैटरी ड्रेन बहुत बढ़ गया है। तो मे बी पॉसिबल ये लोगों के लिए बढ़ गया होगा, ये बाकी में ये इश्यू होगा, पर मेरे फ़ोन में फॉर्चुनेटली ये नहीं है। मेरे फ़ोन में बैटरी ड्रेन उतना ही है जितना अपडेट के पहले था, वही सेम है। मैंने इसका टेस्ट कर रखा है, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना, बैटरी टेस्ट आफ्टर रियलमी UI अपडेट मैंने दे रखा है, ठीक है। तो इसके बाद जब छठवीं अपडेट की प्रॉब्लम की बात करें, तो छठवीं प्रॉब्लम इसमें यह है कि गेम में लैग बता रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है, गेम में लैग हो रहा है, FPS ड्रॉप्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने कमेंट्स में लोगों को पढ़ा है, लोगों ने मेरे को रिपोर्ट किया है, बताया है, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगा यार, लैग थोड़ा बहुत हो रहा है, इतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा है मेरे फ़ोन में। अगर मैं देखूँ थोड़ा बहुत लैग तो हुआ है, हाँ पहले कंपेरिजन में हल्का फुल्का लैग मेरे को देखने को मिल रहा है, पर इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है कि गेम प्ले में कुछ दिक्कत आए, ठीक है। तो यही है कि मैं इसको मेरे अपडेट में इतना ज़्यादा इशू नहीं मानूंगा, ठीक है। बाकी लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो खेल ही नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है, ठीक है। तो ये छठवीं अपडेट है। सातवीं अपडेट, सातवीं इसमें अपडेट में प्रॉब्लम है कि गेम असिस्टेंट और गेम स्पेस को लेकर प्रॉब्लम है। इसमें दो तीन प्रॉब्लम्स हैं। एक तो गेम स्पेस में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें नोटिफिकेशन ब्लॉक कर देने के बाद भी नोटिफिकेशन आ जाते हैं गेम खेलते हुए, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि वो जो यहाँ पर आप गेम खेलते समय कॉर्नर से यहाँ से स्वाइप करके ऐसे करके, और वो गेम असिस्टेंट लाते हो ना यहाँ से स्वाइप करते हो, 1 मिनट अभी नहीं आएगा, वो गेम खेलते समय ही आता है, ठीक है। तो कॉर्नर से स्वाइप करके जो गेम असिस्टेंट आ जाता है ना, 1 मिनट बता ही देता हूँ। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, ये गेम असिस्टेंट आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये कई लोगों को ये नहीं आ रहा है, वो जैसे ही स्वाइप करते हैं इस तरीके से कॉर्नर से ऐसे स्वाइप करते हैं तो नॉर्मल ये नोटिफिकेशन पैनल ही खुल जाता है, उनको गेमिंग असिस्टेंट नहीं ओपन होता है। तो कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रही है। तो यार ये सारी सातों प्रॉब्लम के बारे में मैंने बताया, ये कई लोगों ने मेरे को बताई हैं, तो उनको मैंने एक जगह कंपाइल किया है। बाकी इनमें से कुछ प्रॉब्लम, दो तीन प्रॉब्लम मुझे नहीं आ रही हैं, तो ये हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही हो और आपको कुछ इसमें से आ रही हो, ठीक है। तो यार प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ इनमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके फ़ोन में भी देखने को मिल रही हैं, और इनके अलावा और कोई मेजर प्रॉब्लम अगर है तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। और इन सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे करना है, इनके लिए यार आपको रियलमी को टैग करना पड़ेगा, रियलमी कम्युनिटी ऐप में या ट्विटर पर कहीं पर भी उनको बताओ कि ये बग्स आ रहे हैं, तो उन बग्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो मेरा ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं रियलमी के साथ, ताकि उनको इन बग्स के बारे में पता चले और जल्दी से जल्दी नई अपडेट लेके आए, और मुझे लगता है बहुत जल्दी इसकी अपडेट लेके आएंगे और इन सारी चीज़ों को फिक्स करेंगे, ठीक है। और इन सारे प्रॉब्लम्स की बग्स की लिस्ट में कहीं ना कहीं डाल दूंगा कमेंट में, तो आप वहाँ भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो दोस्तों यार अभी के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करके बताना कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और डिसलाइक कर देना अगर वीडियो पसंद नहीं आया, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी, अभी के लिए बाय बाय।